नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बिहार की राजनीति में राजद की तरफ से एक नए पोस्टर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे। दरअसल राजद पार्टी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर से लालू यादव ही गायब हो गए और लालू यादव के गायब होने के बाद इस पोस्टर पर कोई एक छवि सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई है तो वो है तेजस्वी यादव की। इस पोस्टर पर लिखा है, नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार। ऐसे में सवाल उठता है कि नई सोच नया बिहार का नारा गढ़ने वाले तेजस्वी यादव ने लालू यादव और राबड़ी देवी की इस तस्वीर को इस पोस्टर से क्यों गायब किया? क्या राजद के लिए अब लालू यादव और राबड़ी देवी उनके लिए पोस्टर पे वो चेहरे नहीं रह गए या लालू यादव और राबड़ी देवी को क्या तेजस्वी यादव अब छोड़ना चाहते हैं? दरअसल यह सवाल इसलिए सामने उठता है क्योंकि लगातार जदयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या जो दल फिलहाल सत्ता में है वो सवाल उठाते रहे हैं कि लालू यादव के 15 साल वर्सेस एनडीए के 15 साल पर इस बार का पूरा चुनाव फोकस हो और तेजस्वी यादव ये कतई नहीं चाहते। तेजस्वी यादव कई बार रैलियों में भी वो कह चुके हैं जो हुआ उसे आप भूल जाएं और नई तरीके की राजनीति करने के लिए बिहार में युवा नेतृत्व को मौका दें और इसीलिए उन्होंने लालू यादव को पोस्टर से भी हटाया है। खैर, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या लालू यादव पर जिस तरीके से घोटाले का दाग लगा हुआ है इस दाग से भी अब तेजस्वी यादव पीछा छुड़ाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब यह चाहते हैं कि राजद में पुराने नेतृत्व को अब रिटायरमेंट की तरफ भेज दिया जाए और युवा नेतृत्व को सामने लाया जाए और इसकी नेतृत्व की पूरी बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में ही हो या तेजस्वी यादव इस पूरे विधानसभा चुनाव में याद बताना चाहते हैं कि अब राजद का मतलब तेजस्वी है और तेजस्वी का मतलब ही राजद है। लालू यादव से अब कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में टिकटों के लिए लालू यादव की दरबारी करनी बहुत जरूरी है। लगातार नेता रांची तक जा रहे हैं और जेल में भी फरियाद लगा रहे हैं कि राजद की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव का यह पोस्टर बताता है कि अब सिर्फ राजद में एक ही विंडो खुला हुआ है और वह तेजस्वी यादव का है, ना कि अब लालू यादव की कोई सत्ता बची है और ना ही राबड़ी देवी की। सवाल कई है लेकिन क्या लालू यादव से राजद का साथ छूट सकता है? क्या तेजस्वी यादव ने उन्हें पोस्टर से गायब कर दिया तो क्या जनता के दिलों से भी लालू यादव हट जाएंगे या क्या इस पूरे चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या तेजस्वी यादव लालू यादव के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? सवाल कई हैं लेकिन बस इंतजार करिए, जब विधानसभा चुनाव की तारीखें आ जाएं और टिकट बटने लगे फिर ये देखा जाएगा कि दरबारी किसकी लग रही है, तेजस्वी यादव की या लालू यादव ही राजद के सुप्रीमो।